हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम प्रतिदिन आपके साथ डिजिटल शिक्षण सामग्री साझा कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि आप सभी अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं और अपने शिक्षकों से प्रश्न पूछ रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि राज्य द्वारा डिजिसात प्रोग्राम में भेजी जा रही शिक्षण सामग्री को आसानी से अपने फोन पर कैसे देखें। सबसे पहले हम देखेंगे कि WhatsApp ग्रुप पर भेजे लिंक को सही प्रकार से कैसे खोलना है। यदि आपको लिंक, जो कि लाल डिब्बे में है, काले रंग में दिख रहा है, तो आप अपनी WhatsApp चैट में सबसे नीचे जाइए और ओके पर क्लिक कीजिए। ऐसा करने से लिंक अब नीले रंग में आएगा और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो सीधा YouTube पेज खुलेगा। आप जानते हैं कि हम आपके साथ हर विषय के लिए कई वीडियो साझा कर रहे हैं। क्या आप सभी वीडियो देखते हैं? ध्यान दीजिए कि हर कक्षा और विषय के लिए एक ही लिंक में अनेक वीडियो होते हैं। यहाँ YouTube पेज पर आप देख सकते हैं कि कक्षा 3 से 5 के लिए 5 वीडियो दिए गए हैं। छात्रों को यह 5ों वीडियो देखने हैं। सभी वीडियो को क्रम में देखने के लिए लाल रंग के प्ले बटन पर क्लिक करें। बच्चों, एक बात और, कई बार वीडियो शुरू होने से पहले या वीडियो के बीच में आपके स्क्रीन पर ऐड आएगा। यदि ऐसा हो तो स्क्रीन पर ही रहें, आपको पूरा ऐड देखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ही पल बाद स्किप ऐड लिखा आएगा और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो शुरू हो जाएगा। अब हम सीखेंगे कि वीडियो देखते समय इंटरनेट पैक या डेटा की बचत कैसे करें। स्क्रीन के ऊपरी कोने में बनी 3 बिंदुओं पर क्लिक करें। अब आप दूसरे ऑप्शन क्वालिटी पर क्लिक करें और लिस्ट में से 144p पर क्लिक करें। ऐसा करने से इंटरनेट डेटा कम खर्च होगा और आप ज़्यादा वीडियो देख सकते हैं। हमें आशा है कि इन तरीकों को अपनाने से आपको प्रतिदिन लिंक खोलने और वीडियो देखने में आसानी होगी। धन्यवाद।